के बीच जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के अधिकतर तालाब या बोर सूख चुके हैं। जनता टैंकर से हो रही सप्लाई पर ही निर्भर है। इस पानी की सप्लाई से कई क्षेत्रों में पानी भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में है। जैसे ही पानी के टैंकर आते हैं, पानी के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और यहां तक कि लड़ाई की नौबत भी आ जाती है। वहीं वार्डवासियों ने नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया और कहा है कि गौरव पथ के जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, वहां पर पहले पानी की इतनी समस्या नहीं थी, पर नगरपालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत से बोर का पंप बदल दिया गया एवं पाइप को छोटा कर दिया गया, जिसके कारण पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है। पानी की बहुत समस्या हो रही है। कितने समय नगर पालिका पानी दे रहा है? ये तो 8:30 बजे करीब आते हैं। एक बार? हाँ, एक ही बार। ये इससे क्या पूरे मोहल्ले को पानी मिल जाता है? नहीं मिलता है, टैंकर होता ही नहीं पानी। कोई भी साधन नहीं है, ना यहाँ पर पाइपलाइन है और ना अन्य कोई पंप, हैंड पंप वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बोर था, उसमें 450 फीट पाइप लगी हुई थी, पाइप को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो उसका सुधार करना है, उससे सुधार करना है। और बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। क्या समस्या हो तो पानी नहीं हुआ है। बहुत है भाई, हम तो टैंकर आता है एक दिन में, कितने बार टैंकर आता है? मोहल्ला में ज्यादा नहीं चला था, वो मोहल्ला में हम बिगड़ा है ना 2-3 बार, तो उसके बाद उसको खोला गया है, उसके बाद फिर पाइप निकाल के वो किया गया है, तो पाइप कम कर दिया गया। पाइप कम कर, पहले पूरे मोहल्ले को इससे पानी सप्लाई होती थी? पहले इस मोहल्ले से पूरा सप्लाई होते थे, पूरा पड़ोस पानी सप्लाई, कोई तकलीफ नहीं होती थी? तकलीफ नहीं होती। अभी करीबन 2 वर्ष हो गया, पानी का बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत दूर से पानी लेके आते हैं। पिथौरा में पुलिस ने